अपना वाला दे दें। एक मिनट रुक भाई, क्या हुआ था, क्या घटना हुई आज आपके साथ? मामला ये है कि पिछले 8-9 महीने से मैं सस्पेंड और टर्मिनेट चल रहा हूँ। विद्यालय के प्रबंधक है मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब पिछले कई सालों से अपने मामा अब्दुल रसीम की वजह से मुझसे रंजिश रखता है। कई बार इसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी, अभी 2019 में भी इसने हमला किया था मेरे ऊपर, जिसकी तहरीर छाना चौंगी में लिखी गई थी। और मैं एक हार्ट का पेशेंट हूँ, और फिलहाल इसका टर्मिनेट और सस्पेंड नहीं हूँ, ना उनको वेतन मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। उसी कारण मैं अपने विद्यालय गया था GPF प्रोविडेंट फंड का लेजर लेने। पिछले 1.5 महीने से मैं जा रहा हूँ, और बार बार ऑफिस का बाबू है जाकिर अली अंसारी नाम उसका, वो ये कहता है कि अब्दुल रसीम उठा ले गए, कभी कहता है साहब उठा ले गए, कभी कहता है कुछ ले गए। आज मैं जब उससे बात करने गया तो उसी बीच में साहब आ गए। साहब ने आते साथ ही उसको गाड़ी बकी, पहले फिर तू आ गया, अभी तुझे सस्पेंड टर्मिनेट किया, तेरे समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने कहा कि एक थप्पड़ मारेंगे ज़मीन पर गिर जाएगा, जब तक मैं पुलिस को फ़ोन करता तब तक वो वहाँ से फरार हो गया। प्रिंसिपल साहब ने हमारी मदद करी तो मैं बच गया, वरना आज फिर उसका ही कोई इरादा था कि हमारे साथ कोई वारदात करे, जैसे 20 दिन पहले हमारे एक पत्रकार के साथ उसने हमला किया, हमला करके उसको फंसाने की कोशिश करी। थाना चमनगंज का इस मामले में बड़ा उदासी रवैया है कि वो कोई भी पत्रकार पर हमला हो रहा है, कोई इसमें रवैया उनका सही नहीं समझ में आ रहा। इससे पहले भी तहरीर थी और आज फिर मैंने तहरीर दी, तो SO साहब बजाय उसको पकड़वाने के, बजाय उसको पकड़ने के, अपने ऑफिस में बिठा के 4 बदमाशों को और लेकर वो बैठे बात कर रहे थे। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि थाना चमनगंज लगातार पत्रकारों के हो रहे हमले पर संज्ञान नहीं लेते हैं और पत्रकारों के उल्टा गाली बकते हैं। और हमारी गुजारिश है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन जो है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो निर्देश पारित किए हैं कि पत्रकारों पे कोई भी यदि हमला होता है तो उसके लिए जो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए करें, अन्यथा हम जो मजबूर होंगे कोई अन्य कार्रवाई करने आई है। फिर उधर क्या लगता है कि थाना चमनगंज बड़ी वारदात के इंतजार कर रहा है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं कि थाना चमनगंज चाह रहा है कि मेरे ऊपर कोई बड़ा हमला हो जाए और मैं मर जाऊँ। मुझे तो यही लगता है कि वो चाह रहा है कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा, गलत काम हमारे रहते हुए चमनगंज में।